नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। अमित शाह की कोलकाता रैली के बाद बांटे गए अलकायदा के पर्चे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में रैली के बाद अलकायदा के पर्चे बांटे गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शाह की रैली के बाद एक किताब बांटी गई। इस किताब के कवर पर लिखा है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। रैली स्थल पर बेची जा रही इस किताब की कीमत 10 रुपये बताई जा रही है। बहादुर बहनों को सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार। चलती बस में छेड़खानी करने वाले 3 युवकों को कड़ा सबक सिखाने वाली 2 बहनों पूजा और आरती को उनकी बहादुरी के लिए हरियाणा सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दोनों बहनों ने रोहतक में हरियाणा रोडवेज की चलती बस में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे 3 युवकों से डटकर मुकाबला किया और अदम्य साहस दिखाया। मीडिया में पिटाई का वीडियो आने के बाद दोनों बहनों की बहादुरी के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। वहीं छेड़खानी करने वाले 3 युवक दीपक, मोहित और कुलदीप को जेल भेज दिया गया है। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जिस समय छेड़छाड़ की यह घटना घटी उस समय बस में बैठे किसी भी यात्री ने इसका विरोध नहीं किया। अभिनेत्री गौहर खान को दर्शक ने थप्पड़ मारा। फिल्म अभिनेत्री गौहर खान को म्यूजिक टीवी शो इंडियाज रॉय स्टार की शूटिंग के दौरान स्टेज पर आकर एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी ने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसका मानना था कि गौहर मुस्लिम होने के बावजूद अश्लील कपड़े पहनती हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मलिक भी पिछले 2-3 दिन से शूटिंग पर आ रहा था और गौहर पर नजर रख रहा था। कश्मीर और झारखंड विधानसभा के लिए 2रे चरण का मतदान कल। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा के लिए कल 2रे चरण का मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 18 जबकि झारखंड में 20 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों के मतदाताओं से वेब दुनिया की विनम्र अपील है कि वे वोट डालने जरूर जाएं।